राहुल गांधी को अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया है। इससे प्रोटोकॉल सूची में उनका स्थान भी बढ़ जाएगा और वे विपक्षी गठबंधन के पीएम फेस के स्वाभाविक दावेदार भी हो सकते हैं। यह पहला संवैधानिक पद है जो राहुल गांधी ने अपने 2.5 दशक से ज्यादा लंबे राजनीतिक करियर में संभाला है। राहुल 5वीं बार के सांसद हैं। मंगलवार को उन्होंने संविधान की प्रति हाथ में लेकर संसद पद की शपथ ली। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं को वर्ष 1970 में वैधानिक मान्यता दी गई थी। विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख संविधान में नहीं बल्कि संसदीय संविधि में है। राहुल गांधी की संवैधानिक पदों की नियुक्ति में भूमिका रहेगी। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी लोकपाल, सीबीआई डायरेक्टर, मुख्य चुनाव आयुक्त, केंद्रीय स्थकर्ता आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयुक्त, एनएचआरसी प्रमुख के चयन से संबंधित कमेटियों के सदस्य होंगे और इनकी नियुक्ति में नेता विपक्ष का रोल रहेगा। वे इन पैनल के बतौर सदस्य शामिल होंगे। इन सारी नियुक्तियों में राहुल नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उसी टेबल पर बैठेंगे जहां प्रधानमंत्री और सदस्य बैठेंगे। इन नियुक्तियों से जुड़े फैसलों में प्रधानमंत्री को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी से भी उनकी सहमति लेनी होगी। उनकी राय और मशवरा मायने रखेगा। राहुल सरकार के आर्थिक फैसलों की लगातार समीक्षा कर पाएंगे और सरकार के फैसलों पर टिप्पणी भी कर सकेंगे। वे लोक लेखा कमेटी के भी प्रमुख बन जाएंगे जो सरकार के सारे खर्चों की जांच करती है और उनकी समीक्षा करने के बाद टिप्पणी भी करती है। राहुल गांधी संसद की मुख्य कमेटियों में भी बतौर नेता प्रतिपक्ष के रूप में शामिल हो सकेंगे और उनके पास ये अधिकार होगा कि वो सरकार के कामकाज की लगातार समीक्षा करते रहेंगे। चलिए जानते हैं अब राहुल गांधी के पास क्या शक्तियां और क्या अधिकार हैं। पहला, कैबिनेट मंत्री के बराबर का रैंक, सरकारी सुसज्जित बंगला, सचिवालय में दफ्तर, उच्च स्तरीय सुरक्षा, मुफ्त हवाई यात्रा, मुफ्त रेल यात्रा, सरकारी गाड़ी या वाहन भत्ता, 3,30,000 रुपये मासिक वेतन, प्रति माह सत्कार भत्ता, देश के भीतर प्रत्येक वर्ष के दौरान 48 से ज्यादा यात्रा का भत्ता, टेलीफोन, सचिवीय सहायता और चिकित्सा सुविधाएं। अब आपको बता दें, सत्ता पक्ष सरकार चलाता है और विपक्ष आलोचना करता है। इस प्रकार दोनों के कार्य और अधिकार हैं। सरकार और मंत्रियों पर हमले करना विपक्ष के कार्य हैं। एक काम यह भी है कि विपक्ष की तरफ से दोषपूर्ण प्रशासन पर सवाल किए जाएं और डटकर विरोध किया जाए। विपक्ष और सरकार समान रूप से सहमति से चलते हैं। यदि आपसी सहनशीलता का अभाव रहा तो संसदीय सरकार की प्रक्रिया टूट जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्थ प्रकाश टीवी।